हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं शाम के 4:15 बज रहे हैं और शाम हो गई है, इसलिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग विश कर रही हूँ। और अभी देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू, सब ग्रीन ग्रीन, और शाम का टाइम हो गया है। धूप, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तगड़ी वाली धूप, बहुत तगड़ी वाली गर्मी थी, अभी 5 मिनट के अंदर में मौसम बदला है ना, कि मौसम बदल गया एकदम से ही। बादल देखिए, काले काले घने बादल आ गए हैं और हवाएं चलने लगी हैं ठंडी ठंडी, और सामने आप केले का पेड़ को हिलते हुए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मस्त हवा चलने लगी है और देखिए आप पेड़ को हिलते हुए देख सकते हैं। तो अभी ठंडा मौसम हो गया है, रूम भी हमारा ठंडा होने लगा है। एक्चुअली हमारा कूलर 2 दिन पहले ही ख़राब हो गया, और अभी तक तो ठीक था, चल रहा था। अब जब बारिश हो रही थी तब तो ज़रूरत ही नहीं थी, और जब गर्मी बढ़ी बारिश के बाद, 1-2 दिन तगड़ी वाली जब धूप हुई ना, तो हमारा कूलर ही ख़राब हो गया। और अभी हम उस फिलहाल उसको अभी रिपेयर भी नहीं करवाने वाले, क्योंकि अब गर्मियाँ धीरे धीरे, ठंड का मतलब मौसम आएगा, बारिश का मौसम हो ही गया है, थोड़ा ठंडा हो ही जाता है। तो अभी फ़िलहाल रिपेयर नहीं कराएंगे, अब नेक्स्ट गर्मियों में हम नया कूलर ही ले लेंगे इकट्ठा ही, क्योंकि अभी इसका जो पानी वाला मोटर है वो तो सही है, और जो उसका पंखे वाला मोटर होता है ना, वो ही ख़राब हो गया, तो उसमें लंबा खर्च आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि नया ही ले लेंगे अगली सीज़न में, तो क्या बनवाना। और अभी फ़िलहाल 1-2 दिन में हम गांव ही जाने वाले हैं, तो वहाँ एसी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मौसम चेंज हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और अभी फ़िलहाल मैं कर रही थी कुछ काम, तो देखिए मैं क्या काम कर रही थी, एक कुछ गृहस्थी का काम कर रही थी मैं। एक्चुअली मेरे पास उड़द की दाल थी, और ये 5-6 महीने रूम बंद होने की वजह से ना ये ख़राब होने लग गई, मतलब किचन में यूज़ नहीं हुई, तो इसमें थोड़े थोड़े से घुन होते हैं ना, जो छोटे वाले कीड़े पंख वाले, वो लगने लग गए थे। तो मैंने सोचा इसको धूप दिखा दूँ, और आज इसको मैंने दिन भर अच्छी वाली धूप दिखाई है, और उसके बाद में इसे इस ग्लास में डाल के इसकी हेल्प से, बेलन की हेल्प से कूट कूट के, जो इसके जो ख़राब वाले जो होते हैं ना, जिनको घुन ने खा लिया है दालों को, उनको कूट करके और इस तरह से झटक देते हैं, तो इनका छिलका, ये ख़राब वाली दालें निकल जाती हैं, और वो कीड़े भी निकल जाते हैं, और दाल साफ़ रह जाती है हमारे पास। तो देखिए इसको अभी, ये दूसरा लॉट है, ज़्यादा था नहीं, इसलिए मैं इसको ग्लास और इसके थ्रू ही कर ले रही हूँ। गाँव में ये काम बड़े पैमाने पर होता है, जब ढेर सारा दाल होता है तो मूसल और ओखली में किया जाता है ये काम, बट मेरे पास इतना तो है नहीं, बस ये थोड़ा, ये आधी ग्लास ये और आधी ग्लास ये, एक ग्लास ही था, तो मैंने इसको ऐसे ही इसको डाल के और इसे कूट ले रही हूँ, और कूट के जब उसको फटक दूंगी तो इस तरीके से इसके सारा कचरा निकल जाएगा। देखिए हवा चल रही तो कचरा उड़ जाएगा, अभी इसको मुझे उठाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो पूरे घर में फैलेगा। तो ये देखिए इसको कूट के फटक के और इसको साफ कर ले रही हूँ, और इस दाल का सोच रही हूँ मैं भिगो दूँ और फिर पीस के इसका डोसा का बैटर बना लूँ या दही बड़े बनाऊँ, सोच रही हूँ, डिसाइड करते हैं। शाम को पांडे जी आएंगे तो उनसे भी राय मशवरा लेके और देखेंगे कि हमें इस दाल का क्या करना है। देखिए इसमें 1-2 कीड़े हैं, ये पानी में धुल के निकल जाएंगे, तो इसको इस तरह से मैं साफ कर रही हूँ। तो चलिए ये कर लेती हूँ मेरा काम, और ध्रुवी यहीं सो रही है दोपहर का टाइम में, तो थोड़ा नैप ले रही है अपना। मौसम ठंडा हो गया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है, हवा लहला रहे हैं पेड़ एकदम से, और मेरे घर के बाहर इतनी अच्छी, एकदम रूम के गेट के बाहर ही मैं बैठी हूँ, मेरे घर के सामने ही, मेरे रूम के सामने ही बैठी हूँ मैं, और इतना अच्छा व्यू मिलता है मुझे। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है। तो चलिए ये कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं और द्रुही नीचे ऐसे झांक रहे थे तो हमें दिखा कि हमारा कोई कपड़ा उड़ के नीचे चला गया है। तो द्रुही ने देखा, बोलती मम्मी मैं लेके आती हूँ, तो दौड़ के गई है लेके आने के लिए। तो ये देखिए द्रुही नीचे पहुँच गई है और मैं उसको वहीं से देख रही हूँ। और कुर्ता लेके, मेरा कुर्ता ही गिरा है और मेरा कुर्ता लेके आ रही है, मुझे वहीं से देखो सिखा रही है, मुझे धमकियाँ दे रही है। तो चलिए ऊपर आने दीजिए इसको, मैं बोल रही हूँ कि ऊपर आ जाओ जल्दी से। तो अभी ऊपर आएगी तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या कह रही है वो। तो फ्रेंड्स देखा आपने, द्रुही मेरी गई थी बाहर, मेरा कुर्ता गिर गया था, लगता है रेलिंग पे मैंने डाला था और चिमटी लगाना भूल गई होंगी तो वो नीचे गिर गया था। द्रुही वहीं रख दो धुलने के लिए, वॉशिंग मशीन पे। हाँ वहाँ पे धुलने के लिए रख दो। तो लगता है गिर गया है तो उसको वापस से वॉश करना होगा। और द्रुही लेके आई है, द्रुही मुझे नीचे से सीख दे रही थी कि मम्मी मैंने कहा ना यहाँ मत डाला करो। जैसे मैं उसे समझाती हूँ किसी चीज के लिए तो वो मुझे समझा रही है कि मना किया था ना यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। वाह तुम तो गुड गर्ल हो गई हो। मेरा बच्चा थक गया, चलो हैंड वॉश किया। तो फ्रेंड्स ब्लॉग शुरू किया है नेक्स्ट मॉर्निंग से और आप लोगों को गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स देखिए सुबह का मौसम है और कितना अच्छा बारिश हो रहा है, बहुत झमाझम तेज़ बारिश हो रही है। और हम लोग बारिश को देखते हुए ही हमारा प्लान बना है पकौड़े बनाने का। और साथ ही साथ में आज त्यौहार है मुहर्रम का, 19 तारीख अगस्त की है। और मेरे सारे मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो मुहर्रम की। तो फ्रेंड्स देखिए जो मैंने दाल आपको साफ़ करके दिखाई थी उड़द दाल, वही मैंने रात को भिगो दी थी और अच्छे से पानी आ रहा था तो उसको खूब अच्छे से वॉश किया है, सारे छिलके निकाल दिए हैं, एक दो रह ही जाते हैं, बाकी सारे छिलके निकाल के इनको अच्छे से स्वच्छ कर लिया है मैंने। और अब इनको हमें पीसना है तो चलिए मिक्सर जाल में इसे डाल देती हूँ और इसे एकदम फाइन पेस्ट बनाऊँगी मैं, एकदम जैसा बैटर हम बनाते हैं ना डोसे के लिए, एकदम बारीक दाल पीसते हैं वैसे ही पीसना है। चावल नहीं इसमें ऐड है, डोसे का बैटर नहीं है ये, इसके हम पकोड़े ही बनाने वाले हैं आज मौसम को देखते हुए। तो इसको चलिए अभी हम पीसेंगे और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि इसका स्मूथ सा अच्छा सा बैटर बन जाए। तो देखिए बैटर बन गया है और इसमें मैंने मिला दिया है हरी मिर्ची, प्याज, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, स्वाद अनुसार नमक, बस ज़्यादा मसाले नहीं, एकदम सिंपल ही हम उड़द दाल का टेस्ट चाहते थे, ऑथेंटिक वाला जो पकौड़ा एकदम जो बनता है ना वैसा वाला। तो चलिए इसको अच्छे से हमें फेंटना है और खूब देर तक फेंटना है इसे हमें, ताकि इसमें सारे जो एयर है वो उसमें आ जाए, जितना ही हम फेटेंगे इसके अंदर इतना ही हवा घुसता जाएगा, हवा का प्रवेश होता जाएगा तो उतने ही अच्छे हमारे पकोड़े तेल में डालने पे फूलेंगे। तो इसको थोड़ी मेहनत तो लगेगी बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, आपके पकोड़े एकदम गोल गोल फुले फुले रुई जैसे बनेंगे। तो आपको इसको खूब अच्छे से फेंटना है, लगभग 5 मिनट तक फेंकना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। देखिए मैं एक ही डायरेक्शन में थोड़ा रुक भी रही हूँ तो एक ही डायरेक्शन में फिर फेंट रही हूँ उसको। तो आपको इसी तरह से फेंटना है और जब आपको पता करना हो कि आपका बैटर अच्छे से फिट चुका है तो आप एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा बैटर को गिरा के देखिए, अगर आपका बैटर ऊपर फ्लोट करने लगता है, पानी पे तैरने लगता है तो फिर समझ जाइए कि आपका बैटर बहुत अच्छे से फिट चुका है, उसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेंगी और फूलेंगी। तो देखिए हमारा बैटर एकदम तैयार है तो चलिए इसको तलना शुरू करते हैं। तो अभी कढ़ाई गरम कर दी है मैंने और इसमें तेल डाल रही हूँ और पांडे जी मेरे लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, मेरे दोनों हाथ फंसे हुए हैं तो वो मेरे लिए शूट कर रहे हैं। और द्रुही अपना फ़ोन ऑन मतलब मेरा फ़ोन लेके बैठी, उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है अभी 5 मिनट में, तो मैंने कहा तब तक पकौड़े निकलना शुरू हो जाएंगे, निकाल लूँगी मैं, तब आप जाके उसको हेल्प करना, क्योंकि पेरेंट्स का एक पेरेंट को साथ में रहना ज़रूरी होता है ऑनलाइन क्लास के टाइम में। मैंने कहा आप वहाँ पर रहना और मैं पकौड़े बना लूँगी तब तक। तो यहाँ पे देखिए हम पकौड़े तलना शुरू कर रहे हैं और देखिए तेल में जाते एकदम तुरंत फूलना शुरू हो जा रहा है ये पकौड़े। जो हलवाई क्या जो स्टॉल लगाते हैं दही भल्ले वगैरह मिलते हैं तो वो दही भल्ले इसी तरीके से बनाए जाते हैं, उड़द दाल के ही एकदम बारीक फाइन पेस्ट पीस लेते हैं, उसको खूब अच्छे से फेंटते हैं जब तक कि एकदम इसके अंदर फूलने ना लग जाए ये और एकदम
फ्लोट ना करने लग जाए पानी पे डालने पे, इसी तरह से बनाते हैं वो लोग, एकदम तुरंत डालते हैं। उनके गोल गोल क्यों होते हैं इसी वजह से होते हैं, ये ऑयल में डालते एकदम फूलने लगते हैं और अपने आप ही गोल साइज़ में आ जाते हैं। इनके अंदर इतनी एयर बबल बन जाती है जिसके कारण ये इतने अच्छे से सॉफ्ट फूलते हैं और गोल गोल से दिखते हैं। तो हमारे पकौड़े भी देखिए एकदम ऐसे बन गए। मैंने साइज़ में थोड़े से छोटे तोड़े क्योंकि मुझे दही भल्ले नहीं बनाने, हमें ऐसे ही पकौड़े की तरह ही खाना है। इसी को अगर मैं भिगो दूँ पानी में, उसको निचोड़ के फिर इसके ऊपर दही वगैरह सब डाल दूँ, तो हमारे दही भल्ले भी तैयार हैं, इसी तरीके से बनते हैं। तो आप लोग बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, बट आप लोगों से मैं थोड़ी सी राय मशवरा करना चाहती हूँ कि आप लोग कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें थोड़ी सी मुझे, कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। आती हैं तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पे मिले और आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर सकें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पकौड़े भी बात बात में लाल हो गए बात करते करते और सुनहरे हो गए, तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और दे देते हैं पांडे जी को और जूही को एंजॉय करने के लिए। तो देखिए, इसके केचप के साथ मैंने सर्व कर दिया है और अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए, इसको ऐसे दबाते एकदम इसमें इतनी हवा भरी है, एकदम सॉफ्ट बने हैं। और इसको भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने इसमें जो है एयर बबल बने थे, देखिए किसी जालियाँ पड़ी हुई हैं, कितना सॉफ्ट है, अच्छे से कुक भी हो गया है और बहुत ही डिलीशियस बने थे। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ, विदा लेती हूँ आप लोगों से, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।